आज हम आपको एक बहुत ही खास डायन की कहानी सुनाएंगे। उसका नाम है वेंसी एडम, एक प्रतिभाशाली दिमाग वाली एक ठंडी लड़की। एक बार वेंसडे को गलती से रैपेंजल के बारे में कहानी मिली। उसे वास्तव में एक प्रकार के फूल में दिलचस्पी थी जो सूरज की हल्की बूंद से उगा हो। फिर वेंसडे ने उस तरह के फूल को बनाने के लिए अध्ययन करने का निश्चय किया। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार सूरज का एक फूल खिल ही गया। वेंसडे पर अचानक उसके शरारती भाई ने हमला कर दिया। पीछे ना हटते हुए वो जल्दी से वापस आ गया। उनकी लड़ाई ने गलती से उस टाइम मशीन को खराब कर दिया जिस पर वेंसडे काम कर रही थी। मशीन ने अचानक एक गेट खोला जिसने उसे पकड़ लिया। वेंसडे को वो एक अजीब जगह पर ले गई। उस महल के बारे में सोचते हुए वेंसडे पर अचानक एक अजनबी ने हमला कर दिया। पता चला कि ये राजकुमारी रैपेंजल का महल है। आप कौन हैं? तुम यहाँ कैसे आई? क्या आप मेरे जादुई बालों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे उन उलझे हुए बालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम यहाँ मुझे नुकसान पहुँचाने आई हो? कुछ जटिल कारणों से इसलिए मैं यहाँ खो गई। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहूँ तो तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वेंसडे ने रैपेंजल को पूरी कहानी बता दी, उसके बालों की उत्पत्ति के बारे में। और ये कि वो वास्तव में कोई भी राजकुमारी थी। और उसकी माँ केवल उसके जादुई बालों का फायदा उठाकर उसकी जवानी को वापस रोक रही थी। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मेरी माँ बुरी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज आपका जन्मदिन है ना? वार्षिक रूप से इस दिन राजा प्रार्थना करने के लिए आकाश में उड़ने वाले लाल तिलक भेजेंगे कि वे राजकुमारी को ढूंढ सकें। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको वहाँ देखने के लिए ले जा सकती हूँ। पता चला कि उन सितारों को लालटेन कहा जाता है। लेकिन अगर तुम मुझे सच बताओ, क्या मेरे माता पिता मुझे पहचान सकते हैं? बस निश्चिंत रहे, आपके बाल अद्वितीय है, इसलिए वे निश्चित रूप से आपको पहचानने में सक्षम होंगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं राजा के यहाँ से कुछ लेना चाहती हूँ। थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए रैपेंजल ने आखिरकार उस टावर को छोड़ने का फैसला किया जहाँ उसे असली माता पिता को खोजने के लिए वर्षों से हिरासत में रखा गया था। बेहद लंबे बालों के कारण रैपेंजल के लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। फिर वेंसडे ने उसके लिए नया हेयर स्टाइल बनाने का फैसला किया। महल के पास पहुंचकर रैपेंजल वहां की हलचल भरी चीजों को देखकर चकित रह गई। ये बहुत अच्छा है, इंसान उतने डरावने नहीं है जितना मेरी माँ दिखा रही है। वह दीवार पर बनी हुई पेंटिंग से आकर्षित हुई। ये आपका असली परिवार है। तुम ढीठ चोर, रुको वहाँ। अचानक एक चोर उनकी तरफ भागा और रैपेंजल से टकरा गया। उसने जो मुझे चुराया था वो रैपेंजल के बालों में कसकर चिपक गया। रुको वहाँ। उसके पास उसे अपने साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वेंसडे को भी उनका पीछा करना पड़ा। गार्ड को उनका पीछा करते देख वेंसडे को अचानक उन्हें भागने में मदद करने का उपाय सोचा। Oh!
थोड़ी देर के बाद उन्होंने आखिरकार गार्ड को खोल दिया। वो आदमी मुकुट वापस लेना चाहता था। रपेंजल ने महसूस किया कि ये मुकुट उसका परिचित है। ये मेरा ताज है, तुम चोर हो। तुम सच में बहुत मजा किया हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मैं तुम्हें इसे कभी नहीं लेने दूंगी। आप प्लेन राइडर है। तुम्हें कैसे पता? जैसा किताबों में तुम उसके नियति हो। कभी चोर से शादी नहीं करूंगी। मैं भी तुम जैसी खूंखार लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता। जब वे ताज के लिए लड़ रहे थे, रपेंजल को हिरासत में लेने वाली चुड़ैल अचानक प्रकट हो गई। माँ, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुमने उस मीनार को क्यों छोड़ दिया? क्या आप जानते हैं कि बाहर बहुत सारे खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से मेरे साथ वापस चलो। मैं ये सब जानती थी। अब मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। जैसा आपने कहा, बाहर की दुनिया उतनी डरावनी नहीं है। इसके विपरीत आप सबसे डरावने व्यक्ति हो। रपेंजल की व्याकुलता का लाभ उठाते हुए फ्लिन ने तुरंत ताज को ले लिया और भाग गया। लेकिन एक तेज आवाज सुनाई दी जिससे वो रुक गया। उसने अनुमान लगाया कि ये दोनों लड़कियां मुश्किल में हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं सच में पागल हूँ। थोड़ी देर के लिए झिझकने के बाद फ्लिन ने लड़कियों की मदद करने के लिए वापस आने का फैसला किया। फ्लिन को इतना नाराज देखकर उसने तुरंत उस पर एक गंभीर प्रहार किया। उस पर वेंजे को अचानक याद आया कि डायन की लंबी उम्र रपेंजल के जादुई बालों से थी। वेंजे वहां पहुंची और रपेंजल के बाल काटे। नहीं। जब बाल काटे गए तो डायन तुरंत घायल हो गया। फ्लिन के बारे में, वो बुरी तरह से घायल हो गया था। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही। आपने ऐसा क्यों किया? एक चोर ऐसा कभी नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आता क्या, लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो चाहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। मेरे बाल कट गए, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? क्या आप मेरे ऊपर एक एहसान करेंगी? हाँ, मुझे बताओ। कृपया अनाथालय के लिए कोष बनाएं और उनकी मदद करें, नहीं तो बच्चे। तो यही कारण है कि तुम मुकुट चुराना चाहते थे। ठीक है, मैं उन बच्चों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक उसी क्षण उनके चारों ओर का स्थान धीरे धीरे फीका और गायब हो गया। क्या हो रहा है? ये हो सकता है सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि कहानी का अंत बदल दिया गया था। रपेंजल, उसे किस करो, सच्चे प्यार का किस उसे बचाएगा। रपेंजल ने वही किया जो वेंसडे ने कहा था, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगर चीजें सही क्रम में नहीं होती है तो रपेंजल को फिन के साथ कोई भावना नहीं है, इसलिए किस काम नहीं आया। शायद मुझे अब इसका इस्तेमाल करना होगा। वेंसडे ने वो जादुई फूल निकाला जिसका अध्ययन वो काफी लंबे समय से कर रही थी। चलो खाते हैं। वो अभी कह ही रही थी कि एक बार खुला और वेंसडे को लेकर चला गया। ये पता चला कि थिंग आदेश के परिवार के पालतू जानवर थे। उसने लेखन का अध्ययन किया और उसे वापस लाने के लिए गेट को सफलतापूर्वक खोल दिया। वेंजे ने जल्दबाजी में किताब ढूंढी और आखिरी पन्ना खोला। फ्लिन और रपेंजल को एक साथ देखकर वेंजे ने राहत की सांस ली। क्या हो रहा है? उस स्वप्न के बुलबुले में प्रकाश की देवी इस तरह से क्यों कैद है? क्या वो बच सकती है? आइए आज की कहानी के साथ वो फेरी टेल्स को सुनते हैं। पुराने दिनों में दुनिया पर अंधकार की देवी और प्रकाश की देवी का शासन था। प्रकाश की देवी का सभी लोगों ने हमेशा स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने प्रजातियों में जीवन लाया। उन्होंने सभी को अच्छे सपने दिए।
हर कोई उससे क्यों प्यार करता है और मैं अलग क्यों हो गई? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये सही है, मैं उसका अपहरण करने की योजना क्यों नहीं बनाती? तब मैं इस दुनिया को अपने लिए ले सकती हूँ। प्रकाश की देवी के पास एक राक्षस दानव था। इसने उसे बुरे सपने इकट्ठा करने के लिए सभी के लिए अच्छे सपनों की रक्षा करने में मदद की। अंधेरे की देवी ने पवित्र हिरण को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए दुःस्वप्न बुलबुले के साथ एक रास्ता बनाने की योजना की। फिर हिरण की तलाश करते हुए प्रकाश की देवी अंधेरे की देवी की जाल में गिर गई। फिर उसे दुःस्वप्न बुलबुले में कैद कर लिया गया जिससे वो बच न सके। बुलबुले में खींचे जाने से पहले प्रकाश की देवी ने अपने डीएम को मुक्त कराने की पूरी कोशिश की, ये सोचकर कि शायद सब कुछ बेहतर हो जाए। दौड़ो, जल्दी से भागो, यहाँ से भागो और दुनिया को बचाने का रास्ता खोजो। भागने की पूरी कोशिश करने के बाद उसका शरीर घायल हो गया। हिरण ने प्रकाश की देवी को बचाने के लिए आशा की एक झलक पाने के लिए हर जगह जाने की पूरी कोशिश की। प्रकाश की देवी के बिना दुनिया वापस अंधेरे में चली गई। हर रात बुरे सपने से डरती चली गई। हिरण तब तक इधर उधर भटकता रहा जब तक कि वो एक गांव में नहीं पहुंच गया और वहां थक कर तुरंत गिर गया। सौभाग्य से ये एक गरीब अनाथ एमा द्वारा बचा लिया गया, जो इसे अपने घर वापस ले आई और इसे ठीक किया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता कि आपने मेरी जैसी छोटी जान को बचाया। आपका स्वागत है, मुझे खुशी है कि आप जाग रहे हैं। तुम यहाँ इस मामूली घर में अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं सलाह जिसे उस गांव के मेयर ने पाला है, लेकिन दुख की बात है कि उसकी बेटी मुझे पसंद करती, फिर सभी दोस्त मुझे अलग कर देती है, फिर मैं हमेशा इस तरह अकेली रहती हूँ। लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ कि एक दिन अच्छी चीजें मेरे पास जरूर आएंगी। मैं प्रकाश की देवी का सेवक हूँ, लेकिन मेरे स्वामी का अब अंधेरे की देवी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। मैं वास्तव में उसके लिए चिंतित हूँ। उसके बिना दुनिया में अंधेरा और दुःस्वप्न ही चलता रहेगा। तो मुझे आपकी मदद करने दे। उसे बचाने के लिए आपको सपनों की दुनिया में कदम रखना होगा और देवी को दुःस्वप्न से जगाना होगा। ये वास्तव में खतरनाक है। चिंता ना करें, मैं देवी को बचाने का रास्ता खोज लूंगी। वैसे भी मैं हर किसी को हमेशा के लिए बुरे समय में नहीं रहने दे सकती। छोटी बच्ची का दृढ़ संकल्प देखकर हिरण मान गया। उसने पीछे हटकर अपना सिंह हिलाया। देखते ही देखते सपनों की दुनिया का द्वार खुल गया। रुके, मेरे पास आपके लिए उपहार है, मेरी शुभकामनाएं और शांति। ध्यान रखें, कभी कभी आप अपने सपने को नियंत्रित भी कर सकते हैं। एमा ने हिरण की तरफ हाथ हिलाया और अंदर कदम रख दिया। सपनों की दुनिया में होने के कारण एमा के शरीर पर धूल ने अचानक उसके कपड़ों को एक भड़कीली पोशाक में बदल दिया। इतना ही नहीं, उसके हाथ में एक और छोटी सी तलवार भी आ गई। एमा वास्तव में खुश थी, लेकिन ये इतने लंबे समय तक नहीं चल सका। वो ठंड और अंधेरे से घिरी हुई थी। वो अंधेरे में टटोल रही थी कि अचानक उसे एक आवाज ने रोक दिया। तुम भी हो? आप सपनों की दुनिया में गड़बड़ करने की हिम्मत करती है? आपके सामने तीन यूनिकॉर्न है। उनमें से एक आपके गांव का मेयर है, जो मंत्रमुग्ध था। निर्णय आपको करना होगा। यदि आप गलत निर्णय लेते हैं तो आपका मेयर हमेशा के लिए वापस नहीं आ पाएगा। एमा घबरा गई। उसे पता नहीं था कि उसे क्या चुनना है, क्योंकि तीन यूनिकॉर्न बिल्कुल एक दूसरे के समान दिखते थे। फिर उसने अपना संयम वापस पा लिया। उसने ध्यान से यूनिकॉर्न्स को देखा। तब उसने महसूस किया कि बीच के यूनिकॉर्न की आंखें उसे परिचित लग रही थी। वो आंखें अधिक भावपूर्ण थी और उनका रंग हल्का हरा था। उसने जल्दी से बीच वाले को चुन लिया। तुरंत गांव के महापौर प्रकट हुए और उसके साथ मुस्कुरा।
बेटा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आप शांति की कामना करते हैं। एमा ने अपनी यात्रा जारी रखी। फिर वो एक चट्टान के पास पहुंची और उसने बेर की बेटी को देखा। उसने हमेशा उसे तंग किया, लेकिन वो उस ऊपर की चट्टान से गिरने वाली थी। एमा ने अपने दोस्त को बचाने के लिए तुरंत टूटे हुए पुल को पार किया, लेकिन जब वो आधे रास्ते में पहुंची तो पुल दो हिस्सों में कट गया। उसी वक्त मेयर की बेटी फिसल गई। एमा ने सौभाग्य से पुल पकड़ लिया और समय पर अपने दोस्त को बचा लिया। दोनों लड़कियां उस ब्रिज पर चढ़ने लगी और ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की। एमा, मुझे बचाने के लिए आपका सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। मैं आपको वापस आने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनमें से दो को बचाने में सक्षम होने के कारण एमा ने खुशी खुशी अपनी यात्रा जारी रखी। सपने के अंत तक वो प्रकाश की देवी को देख सकती थी जो दुःस्वप्न के बुलबुले में सो रही थी। उसने देवी को बचाने के लिए बुलबुले को तोड़ने का इरादा किया, लेकिन उसे अंधेरी की देवी ने रोक दिया। उसे बचाना आसान नहीं है। पहले तुम्हें मेरी चुनौतियों का स्वीकार होना होगा, छोटी लड़की। सिपाहियों, उस पर हमला करो। एमा ने उनके खिलाफ लड़ने के लिए तलवार उठाई, लेकिन वो जल्दी से बाहर। रुको, मैं अब सपनों की दुनिया में हूँ। मैं अपने सपनों को नियंत्रित कर सकती हूँ। फिर एमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कल्पना की कि उसके आसपास कोई राक्षस नहीं है। वे ग्रामीण थे जो चारों ओर से घिरे हुए थे और उसके साथ मुस्कुरा रहे थे। काली सेना तुरंत गायब हो गई। अंधेरे की देवी ने गुस्से में एमा पर हमला करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। एमा ने साहस पूर्वक हमला किया और कल्पना की कि वे केवल चीनी हवाई। अंधेरे की देवी पर काबू पाने के लिए एमा दृढ़ता से वहां पहुंची और दुःस्वप्न के बुलबुले को तोड़ने के लिए तलवार घुमाई। स्वप्न से प्रकाश की देवी धीरे धीरे जाग उठी। उसने जादू डाला जिससे प्रकाश ने इस दुनिया को ढक लिया और अंधेरे की देवी उसके द्वारा बनाए गए दुःस्वप्न के बुलबुले में बंद कर दिया। प्रकाश के लिए सभी प्रजातियां मुरझाई नहीं थी बल्कि ताजा हो गई थी। प्रकाश की देवी ने एमा को वास्तविकता में वापस ला दिया था। मुझे और इस दुनिया को बचाने के लिए धन्यवाद। तुम सबसे दयालु लड़की हो जिससे मैं कभी मिली हूँ। सारी बेहतरीन चीजें आपके पास आएंगी मेरे प्रिय। मेयर की बेटी भी एमा के पास आई और उससे दोस्ती करना चाहती थी। उस दिन से एमा से सब कोई प्यार करने लगा। प्रकाश की देवी के लिए धन्यवाद। हर कोई अब दुःस्वप्न से डरता नहीं था। वे हमेशा के लिए शांति से रहने लगे। अगर आप एक दिन खुद को किसी दूसरे इंसान के शरीर में पाएं, तो आप क्या करेंगे? इसके अलावा उस व्यक्ति का आपके साथ पूरी तरह विपरीत जीवन भी है। सोफिया को एक ऐसे ही हादसे का सामना करना पड़ा। आइए जाने आज की कहानी में इन सभी समस्याओं का हल क्या हो सकता है। सोफिया एक सुंदर और चतुर राजकुमारी थी, लेकिन वो हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी तय नहीं कर पाती थी। वो अपनी होने वाली शादी को मना भी नहीं कर सकी क्योंकि शादी राजघराने का खजाना बचाने के लिए थी। इस बीच महल के बाहर राज्य के सबसे गरीब स्थान में जेल्डा नाम की एक लड़की रहती थी। वो आमतौर पर अन्यायपूर्ण कार्यों में लगी रहती थी जिससे वहाँ के ठग वास्तव में उससे नफरत करते थे, लेकिन वो इतनी फुर्तीली थी कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकता था। उस महल के लोगों का जीवन कैसा होगा? ये वास्तव में आरामदायक होना चाहिए। काश कि मैं वहाँ रह पाती तो मुझे खाने की अब और चिंता नहीं करनी पड़ती। काश कि मुझे वहाँ एक आरामदायक जीवन मिल पाता। मैं अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ तय करने के लिए सक्षम हो पाती। अचानक एक तेज हवा चली जिससे सोफिया असंतुलित होकर भागने लगी।
अगली सुबह सोफिया ने खुद को एक अजीब लड़की के शरीर में पाया। मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? वो कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। बाहर से आए बदमाश अचानक उसके कमरे में घुस गए। बड़े भाई, ये वही है जिसने कल हमको रोका था। जल्दा, आप हमेशा दूसरों के व्यवसाय में गड़बड़ी करना चाहती हैं। आज मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना है। बड़े भाई, तुम्हें क्या हुआ? उससे पूछने पर उसने पाया कि उसने एक बच्चे से एक मशरूम लूट लिया था और वो नहीं जानती थी कि ये एक जहरीला मशरूम है। अपने ज्ञान से सोफिया ने महत्वपूर्ण क्षण में ठग से उबरने में मदद की। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या यहाँ कुछ खाने को है? जल्दा, क्या आपको पता है कि इस समय क्या बजा है? जल्दी से काम खत्म करो, करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आप गलत है, मैं जल्दा नहीं हूँ, मैं सोफिया ने जो कुछ भी समझा, मालकिन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने उसे कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया। दोपहर तक उसे खाना दिया जाता था, लेकिन वो इतना सूखा कि निगलने में मुश्किल होती। वो स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने महल में वापस जाने का रास्ता खोज लिया, लेकिन उसने कितना भी समझाने की कोशिश की, किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने बिना दया के उसे भगा दिया। उसके पास पुराने टूटे घर में वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं हमेशा आजादी पाना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहर की जिंदगी इतनी मुश्किल हो सकती है। अचानक मालकिन बिना देखे ही कमरे में दाखिल हो गई। तुम अभी भी थके हुए हो, है ना? बेचारे तुम, सदा बलवान और फुर्तीली तुम, बिना वापस आए उस नदी पर कैसे गिर पड़े? ये बहुत भाग्यशाली था कि मैं उसी समय वहाँ से गुजरी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ, बस उन्हें खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। अभी भी कोई है जो इस समय यहाँ आता है? तुम यहाँ फिर से जल्दा से पंगा लेने आए हो? आज मैं यहाँ हूँ, परेशानी मत करो। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं यहाँ जल्दा को धन्यवाद देने आया हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ आज सुबह जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। ये अंडे मेरे परिवार की मुर्गी के हैं, मैंने इन्हें किसी और से नहीं लिया। जल्दा ने महसूस किया कि वहाँ का जीवन कठिन था, लेकिन लोग इतने स्नेही थे। यही वो चीज थी जो उसे उस आलिशान महल में नहीं मिल रही थी। उस समय से सोफिया धीरे धीरे वहाँ नए जीवन की अभ्यस्त होने लगी। यहाँ के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन पहले तक सोफिया के शरीर में जेल्डा अचानक दिखाई दी और उसकी तलाश की। जेल्डा सोफिया से अपना शरीर वापस पाना चाहती थी, क्योंकि महल में जीवन वास्तव में सुकून भरा था, लेकिन उसने अपनी सारी स्वतंत्रता खो दी थी। जेल्डा ने भविष्यवाणी की कि नदी उनके शरीर की अदला बदली करने का कारण है। यदि वे वापस अदला बदली करना चाहते हैं, तो उन्हें फिर से वहीं जाना होगा। नहीं, मेरे लिए आजाद जिंदगी जीना इतना मुश्किल हो गया है, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। तुम कितनी स्वार्थी हो, ये जीवन मेरा है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बकवास है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि राजा को नुकसान हो। आपका क्या मतलब है? जेल्डा ने उसे वे बातें बताई जो वो जानती थी। उस दिन बहुत ऊब जाने के कारण जेल्डा को छत पर चढ़ने का रास्ता मिल गया। वो गलती से अर्ल के कमरे में पहुंच गई थी और वहां वो उसकी कहानी सुनने में सक्षम हो गई। शाही सोने की खदानें सिर्फ इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उसने इसे सालों तक चुपके से निकाला और
उसने उतने ही सोने को विवाह के उपहार के रूप में उपयोग किया। शादी में वो अपने लोगों को राजा को जहर देने का आदेश देगा। राजकुमारी के पति की स्थिति में वो सिंहासन लेने के लिए काबिल हो जाएगा। मैंने राजा को ये कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और विशेष तौर पे ये बात कि मैं छत पर चढ़ने के सक्षम हूँ। मुझे उसे रोकने के तरीके के बारे में सोचना होगा। तो बस मुझे शरीर वापस दे दो और फिर राजा को बचाने के लिए वापस आ जाओ। नहीं, आपको भी मेरी मदद करनी होगी। ये आपके शाही परिवार की समस्या है, क्या इसके साथ मेरा कोई संबंध है? जब वो लालची अर्ल गद्दी संभालेगा और इस राज्य पर शासन करेगा, तो सभी लोग आसानी से नहीं रह पाएंगे। प्लीज, फिर मैं ये शरीर वापस दे दूंगी। इसीलिए ज़ेल्डा को चालाक अर्ल को बेनकाब करने की योजना बनाने में सोफिया की मदद करनी पड़ी। ज़ेल्डा ने अपने प्यार को बढ़ाने के लिए अर्ल के महल में जाने के लिए राजा की अनुमति मांगी। ये सोचकर कि उसकी बेटी ने अपना मन बदल लिया है, राजा सहमत हो गए। जब वे पहुंचे, ज़ेल्डा ने सोफिया को सबूत खोजने के लिए समय देने के लिए अर्ल को विचलित करने का तरीका खोजा। सोफिया एक प्रतिभाशाली बेकर के रूप में सामने आई, जिसे राजकुमारी ने खोजा था। उन्होंने अर्ल के लिए एक स्वादिष्ट पाई बनाई और राजकुमारी उसे वहां लेकर आई। सोफिया अर्ल के कमरे में खोजने के लिए घुस गई। दरअसल उन्होंने अपना सिक्का बनाया। यहाँ तक कि गुप्त मार्गों के नक्शे भी है, जो शाही परिवार के सुरंगों से जुड़े हुए हैं। इस बार आप इसे मना नहीं कर पाएंगे। अर्ल, तुम कहाँ जा रहे थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओह, मुझे कुछ सामान लाना है, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद सोफिया ने आखिरकार केक की एक गर्म स्वादिष्ट प्लेट परोस दी। कहाँ चली गई आप? मैंने तुम्हें रसोई में नहीं देखा। मेरे अर्ल, पहले मैं कुछ सामग्री भूल गई थी, इसलिए मुझे उन्हें खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ा। ठीक है, कृपया उस केक का आनंद ले, ठंडा होने पर यह स्वादिष्ट नहीं लगेगा। सबूत मिलने के बाद उन्हें तुरंत छोड़ने का कारण मिल गया। कुछ देर के लिए बाहर जाने पर अचानक उन्हें भालू के खुरों की आवाज सुनाई दी, जो उनका पीछा कर रहे थे। ये जानकर कि वो ढूंढे जा चुके हैं, दोनों ने तुरंत घोड़ों से आग्रह किया और वो और तेज दौड़े। अचानक गाड़ी पलट गई, जिससे दोनों नदी में जा गए। सोफिया, तुम कहाँ हो? सोफिया, ज़ेल्डा, मैं यहाँ हूँ, मदद करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तट पर ले आऊंगी। लानत है, ये शरीर बहुत कमजोर है, मैं नहीं कर सकती। काश मैं अपने शरीर को वापस ले पाती। मेरा जीवन इस तरह खत्म हो जाएगा। मैंने इसमें ज़ेल्डा को भी शामिल किया। अगर मैं उसे इसमें घसीटने के लिए इतनी स्वार्थी नहीं होती। मैं माता पिता को देखना चाहती हूँ। मैं पुरानी मैं बनना चाहती हूँ। आश्चर्यजनक रूप से ज़ेल्डा ने अपने शरीर को ताकत से भरा पाया। वो उठी और सोफिया को बचाने में सफल रही। ये पता चला कि नदी पर होने के दौरान दोनों लड़कियों को उनके अपने शरीर वापस मिल गए। उस समय राजकुमारी को बचाने में सक्षम नहीं होने के लिए अर्ल खुद को दोषी ठहराने का नाटक कर रहा था।
उसे देखकर वो पूरी ताकत से चकित हो गया और सदमे में जा गिरा। उन सबूतों के साथ अर्ल कुछ भी मना नहीं कर सका। उस दिन से राजा ने सोफिया को अपने जीवन का फैसला करने की अनुमति दी। जेल्डा भी अपने आरामदायक और मुक्त जीवन में वापस चली गई। सोफिया उस झुग्गी को कभी नहीं भूली जहां उसके नए दोस्त रह रहे थे। वो वापस गई और वहां के लोगों की मदद की। वे दोनों आखिरकार जानते थे कि उनके पास जो कुछ भी है उसे कैसे संजो कर रखना है। वाह, फेरी टेल्स।